प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता, राष्ट्रवाद और विकास पर बल देते हुए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है। स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता और मजबूत शासन की विरासत छोड़ी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कर सरदार पटेल के इसी योगदान का सम्मान किया, जो राष्ट्रीय एकता और एकजुट भारत की दृष्टि का प्रतीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में इसका शिलान्यास किया था और पीएम बनने के बाद साल 2018 में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित किया। के श्रीनिवासन बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पूरे प्रोजेक्ट को श्रमदान के जरिए बनाने का काम किया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो कहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगभग 1,69,000 गांवों ने भी अपना योगदान दिया। Perhaps this is the only project in the annals of Indian history or Indian infrastructure where a separate project implementation entity was not created. This entire project of this huge magnitude was completed by his colleagues in the civil service and his political colleagues by doing everything on a shramdan basis. Each and every one of us, we did it as an extra job. There was not a single person who was appointed full-time to be, let us say, MD of this project. We had an interesting campaigns that were launched, all at the behest of Modi ji. He said, I want every farmer to contribute to the building of the farmer's leader. He said, bring metal, not any metal. Bring metal that has been used in the fields of farmers. So the Loha campaign was launched. Close to 1,69,000 villages of this country contributed. इस प्रतिमा को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांवों में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया था। जी आर अलोरिया कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखने का सुझाव दिया था। सरदार पटेल का जो स्टैच्यू लगा, उसका पैर किस तरफ है, कौन बनाएगा इसका, ये कहां से आएगा, वो कहां से आएगा, किस मटेरियल का बनेगा, एक एक चीज को इतना कम से कम उन्होंने 2-3 घंटे लगाए, तो मैं दंग रह गया कि इतनी बारीकी से, क्योंकि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके कोर ऑफ हिज हार्ट, मैंने देखा कि बिल्कुल उनके जब इस, और जब इसका नाम देने की बात आई तो बहुत सारे नाम आए, ये उन्हीं के मुखारविंद से आया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि सरदार पटेल ने जो भारत के एकता और अखंडता के लिए प्रयास किए थे और वहीं से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके मुंह से आया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और हमने इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2010 में नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने की घोषणा की थी। हर्षद ब्रह्मभट्ट कहते हैं कि जब उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उनका सपना है कि सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना केवड़िया में हो। उनके मन में जो सोच थी, जो सपना था, वो कहा कि हर्षद भाई गुजरात में नर्मदा डैम साइट पर केवड़िया कॉलोनी में विश्व में जो बड़ी प्रतिमाएं मानी जाती है उसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, जिसे देखकर आदमी दंग सा रह जाता है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ी 182 मीटर की सरदार की प्रतिमा बनाएंगे और वहाँ नर्मदा डैम साइट पर उसको प्रस्थापित करेंगे और उस जगह पर टूरिज्म का ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे कि वहाँ विश्व भर से पर्यटक आ सके। अब ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती थी, कुछ मन में शंकाएं रहती थी, कुछ सवाल रहते थे कि इसे कैसे पूरा हो सकता है, ये मुमकिन नहीं लगता था कि हो सकता है। उन्होंने ये सब बातें मुमकिन करके दिखाई।
नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही सपना था कि सरदार पटेल के योगदान को देश हमेशा याद रखे और उनसे प्रेरित होता रहे। के श्रीनिवासन बताते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने आदिवासी बहुल केवड़िया को इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए चुना। ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी डीपली एडमायर्ड सरदार पटेल एंड ही ऑलवेज बिलीव्ड दैट द नेशन ओड इट टू रिमेंबर हिम एप्रोप्रिएटली, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। द सेकेंड थिंग अबाउट द प्रोजेक्ट इट्सेल्फ वॉज श्री मोदी जी वॉज ऑलवेज डीपली एंग्रॉस्ड विद द ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन, especially Kevadia, which was in the heartland of tribal area, highly underdeveloped. So I remember even from as early as 2004, he would emphasize that we should build opportunities for the tribals living there. We should build economic opportunities. We should allow for development in that region. Statue of Unity ko Sadhu Pet Dweep par banaya gaya, jo Narmada Nadi ke shant jal se ghiri hui hai, जो कि इसकी भव्य उपस्थिति को और बढ़ा देती है। नारायण दास वी पटेल बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने देश के सभी गांवों से वहां के किसानों से ये अपील की कि वो अपने कृषि यंत्रों को इस पुनीत कार्य में प्रयोग होने के लिए दान दें। तो उसने सारे भारत के सभी कृषि के किसानों को कहा कि आपके घर में जो औजार है, कृषि के औजार, समझ लो कि दातरड़ा है, कोदारी है, फावड़ा है, त्रिकम है, जो कुछ है आपको नहीं काम का है, वो सभी लोखन हमें दान में दे दो। एक कैंपेन किया नरेंद्र भाई ने और यहाँ से मिनिस्टरों और धारासभ्यों की टीम हर राज्य में भेजी और हर राज्य में ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंगें की। तो नरेंद्र भाई ने ये क्यों किया? क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसी कोई बात, सरदार का स्टैचू बन रहा है, ऐसा हर गांव के किसान को पता चलना चाहिए। ये भी एक उसके मगज में थीम थी। हमें करीब 135 टन लोहे के खेत में इस्तेमाल हुए ये पुराने औजार हमें मिले। ये बहुमूल्य समर्पण था। इसको हम यहाँ की एक अच्छी फाउंड्री में पिघल के उसको अच्छा क्लीन करके उसमें से लोहा बनाया गया। 8 mm और 12 mm के रेनफोर्समेंट बार बनाए गए और ये बार का इस्तेमाल स्टैचू के अलग अलग हिस्सों में किसानों के समर्पण के रूप में किया गया। ये बहुत बड़ी घटना थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र में सत्ता में आने पर उसी साल अक्टूबर में पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का ऐलान किया था। संजय टंडन बताते हैं कि सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस बनाने की योजना बीते 70 वर्षों में किसी ने नहीं दी थी, ये मोदी ही थे जिन्होंने इस योजना को फलीभूत किया। मुझे लगता है कि सरदार पटेल जी के जन्म दिवस को अगर किसी ने याद रखा और उसको एक यूनिटी दिवस के रूप में मनाने का ये जो प्लान रखा, मुझे नहीं लगता कि पिछले 70 वर्षों में किसी व्यक्ति ने ये सोचा। मुझे आज भी ध्यान है कि वो 31 अक्टूबर जो है 2013 का, हमने लेक रोड के ऊपर लगभग 5000 लोगों के साथ वो रखा था और देश के हर कोने में उन्होंने उसको किया। सो ये एक कैसा मैसेज देना और कैसे लोगों को अटैच करना और उसको फिर इतिहास की किसी पन्ने के साथ जोड़ना, ये उनकी एक खास कला रही। सरदार पटेल असाधारण संगठन क्षमता के कारण महज 6 वर्ष में ही क्षेत्रीय नेता से राष्ट्रीय नेता बन गए थे। उनका देश के लिए योगदान अविस्मरणीय है। वासु त्रिवेदी बताती हैं कि जिस पटेल को कांग्रेस ने भुला दिया था, उसी सरदार पटेल को मोदी ने सम्मान देने का काम किया। देश के स्वतंत्र संग्राम में और स्वतंत्रता के बाद भी जिन लोगों का रोल रहा है, उनमें कांग्रेस वालों ने तो सरदार का नाम बिल्कुल छोड़ दिया था, उनके लिस्ट में थे ही नहीं।
मुझे लगता है कि मोदी जी के मन में इसके बारे में दुख होगा, एक भाव भी होगा। आज विदेशों में रहे अपने गुजराती और विश्व के लोग जो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और बाकी जो अभ्यास कर रहे हैं, वो लोग वहाँ आते हैं इतना नहीं, देखते हैं, उसको समझते हैं कि स्टैचू कैसे बनाया। सरदार सरोवर बांध को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। सौरभ पटेल बताते हैं कि किस तरह बांध की ऊंचाई को बढ़ाने में आई बहुत सारी मुश्किलों को नरेंद्र मोदी ने सुलझाने का काम किया। नर्मदा डैम हाइट कुड हैव बीन इयर्स, इट कुड हैव कम इन 90s आल्सो इफ द गवर्नमेंट हैड द पॉलिटिकल विल, बट द सेंटर नेवर हैड द पॉलिटिकल विल टू गिव इट। There were a lot of court battles which he won, and the center was determined not to give, so he had to sit on a fast. They had to withdraw, and the legal process started, and we won the legal process. But what was more important, he proved to the country that it can be done. So the day he became the prime minister, in a span of 17-18 days, the dam height was cleared. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण का काम सिर्फ 33 महीनों में हो गया था। 2013 में प्रतिमा के निर्माण का काम शुरू हुआ था। काम कितना अहम था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पटेल की प्रतिमा के हाव भाव तय करने के लिए 2000 से ज्यादा तस्वीरों पर रिसर्च की गई थी। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, समावेशी हो, संवेदनशील हो और सतर्क भी हो, विनम्र हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। सरदार पटेल से प्रेरित होकर आज भारत भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ विकसित राष्ट्र की ओर लगातार कदम बढ़ाता जा रहा है।